हाय स्टूडेंट्स, सो सिलॉग्स कंप्लीट हो गया. बाकी जो बचा हुआ है दैट इज रिवर्स सिलॉग्स, जो आज हम करेंगे. एंड आई होप आपने सारे सिलॉग्स से क्वेश्चन ऑलरेडी आप निकल लिया होगा. एंड कोई भी कंफ्यूजन अगर हो देन डेफिनेटली वी आर हियर फॉर यू. आप हमसे पूछ सकते हो एज अ कमेंट या फिर डायरेक्टली भी आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो. तो आज करेंगे रिवर्स सिलॉग्स, जो आपके मेन्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. अब देखिए, जैसे ही आपके जितना मुश्किल होगा आपके पेपर, क्योंकि जितना ही दिन चला जाता है उतना ही पेपर जो है मुश्किल होता जाता है, तो उस केस में आपके मुश्किल क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा बन जाता है. तो वैसे ही आपका यहाँ पे ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपके रिवर्स सिलॉग्स आएंगे. तो इसीलिए हम रिवर्स सिलॉग्स करेंगे. अब रिवर्स सिलॉग्स में होता क्या है? रिवर्स, जैसे सिलॉग्स को रिवर्स कर दिया. अब सिलॉग्स का क्वेश्चन कैसे था? स्टेटमेंट पहले आता था, फिर उसके बाद आता था कंक्लूजन. ठीक है, तो वही इस बार क्या होगा कि आपके कंक्लूजन पहले ही दिया जाएगा और आपके जो स्टेटमेंट है वो आपको बाद में दिया जाएगा. ठीक है, आपके स्टेटमेंट बाद में होगा एंड जो आपके कंक्लूजन है वो पहले ही दिया जाएगा. ठीक, अब वही है कि पहले दो कंक्लूजन आपको बताना है कि ये कंक्लूजन अगर फॉलो करना है तो आपके कौन से स्टेटमेंट में आएंगे. जैसे यहाँ पे लिखा है, इन रिवर्स सिलॉग्स टू कंक्लूजन्स आर गिवन फॉलोड बाय टू और मोर स्टेटमेंट. यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हिच स्टेटमेंट कैन द कंक्लूजन बी डिराइव फ्रॉम. तो कौन से स्टेटमेंट से कंक्लूजन आ सकता है वो आपको बताना है. तो यहाँ पे आप जो सबसे इंपॉर्टेंट टिप है वो है कि आप लोग ये क्वेश्चंस को करोगे ऑप्शंस को एलिमिनेट करके. जितना ऑप्शंस को एलिमिनेट करके आप करोगे उतना ही आपके लिए इजी बनेगा. तो लेट अस सी, पहले क्वेश्चन पे चलते हैं. एक वैसा क्वेश्चन लेते हैं जो आपका ऑलरेडी पेपर में आ चुका है. ठीक है, तो ये आपके स्क्रीन में क्वेश्चन है. तो यहाँ पे लिखा है, डायरेक्शंस को इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़ लेते हैं. ये आपके IBPS PO मेंस में आया था 2016 में. तो यहाँ अगर क्वेश्चन देखे आप तो यहाँ पे लिखा है, इच क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ सम कंक्लूजन फॉलोड बाय फाइव स्टेटमेंट्स. कंसीडर अ गिवन कंक्लूजन टू बी ट्रू इवन इफ दे सीम टू बी एट वेरिएंस विद कॉमनली नोन फैक्ट्स. रीड द कंक्लूजन एंड देन डिसाइड फ्रॉम विच स्टेटमेंट द कंक्लूजन कैन बी पॉसिबल. तो बेसिकली आपको यहाँ दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, दो कंक्लूजन दिए गए, राइट? दो कंक्लूजन आपको दिए गए हैं. जैसे ये दोनों कंक्लूजन, अब ये दोनों कंक्लूजन फॉलो होनी चाहिए. मतलब ये दोनों कंक्लूजन फॉलो करनी चाहिए, मतलब दोनों 100% ट्रू स्टेटमेंट होना चाहिए. तो ये आपके 100% ट्रू स्टेटमेंट होना चाहिए. ठीक है, तो कौन सी स्टेटमेंट्स है? ये आपके पांच स्टेटमेंट्स है जिनमें से ये दोनों कंक्लूजन, दोनों ही, एक आएगा तो नहीं चलेगा, दोनों ही कंक्लूजन आपका आना चाहिए. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब लोग सारे लोग क्या करेंगे, सभी के सभी डायग्राम्स ड्रॉ करके चलेंगे. लेकिन उसमें क्या होगा, उसमें आपका बहुत सारा टाइम कंज्यूम हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे हम थोड़े से ट्रिक्स के यूज करेंगे या फिर हमने जो अभी तक बेसिक्स करे हैं सिलॉग्स के उसका यूज करेंगे. ठीक, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम करेंगे जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, आपको करना है ऑप्शंस को एलिमिनेट. तो उस केस में हम क्या करेंगे, सारे क्वेश्चंस को पढ़ लेंगे. तो कंक्लूजन में क्या आना है कि नो टॉक्सिक इज इंजेक्शन, कोई भी टॉक्सिक आपका इंजेक्शन नहीं है. सम इंजेक्शन आ ग्लूकोज. अब एक चीज देखते हैं कि कहाँ कहाँ हम करेंगे. अब देखो, नो इंजेक्शन इज अ ग्लूकोज अगर आ गया तो उसको हम एलिमिनेट करेंगे, क्योंकि नो इंजेक्शन अगर ग्लूकोज हो गया तो सम इंजेक्शन और ग्लूकोज कैसे आ सकता है. तो देख लेते हैं कि कहीं पे वैसा वाला स्टेटमेंट है जिसमें नो इंजेक्शन इज ग्लूकोज है. तो नो इंजेक्शन इज टॉक्सिक या फिर नो ग्लूकोज इज इंजेक्शन है, तो कहीं नहीं है, कोई बात नहीं. फिर उसके बाद एक चीज देखिए, अगर नो वाला स्टेटमेंट है, अगर नो वाला स्टेटमेंट है तो उसको, उसके लिए एक अगर नेगेटिव स्टेटमेंट है. आपने पहले भी देखा होगा कि सारे के सारे अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आपको दिए जाते हैं तो कभी आपके कंक्लूजन में नेगेटिव नहीं आ सकता. ठीक है, तो कंक्लूजन में अगर नेगेटिव आना है तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन वाले स्टेटमेंट में, क्वेश्चन स्टेटमेंट में कहीं ना कहीं आपके कुछ नेगेटिव बात होनी चाहिए. मतलब एक नेगेटिव स्टेटमेंट तो जरूरी है, तभी आपके एक नेगेटिव कंक्लूजन आ सकता है. तो वही बात, जिस इस ऑप्शन, इन हमारे पास जो पांच ऑप्शंस है उसमें से हम देखेंगे कि कौन से ऑप्शन में सारे के सारे स्टेटमेंट्स पॉजिटिव है. सारे के सारे स्टेटमेंट्स अगर पॉजिटिव होंगे तो उसमें से आपका ये नेगेटिव वाला कंक्लूजन, क्योंकि आपको पता है मैंने ऑलरेडी भी बताया कि सम एंड ऑल जो होता है ये दोनों एक पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होते हैं एंड नो एंड सम नॉट आपके नेगेटिव स्टेटमेंट्स होते हैं. ठीक है, तो जिसमें
क्योंकि हमारे यहाँ एक नेगेटिव कंक्लूजन आना चाहिए, तो इसके लिए आपको कम से कम एक नेगेटिव स्टेटमेंट कहीं ना कहीं आपके स्टेटमेंट में होना चाहिए। तो लेट अस सी, यहाँ पे देखें नो है तो शायद आ जाए, फिर इसमें आके देखेंगे तो यहाँ अगर आप देखो तो सम ऑल सारे के सारे पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो इससे तो आपका ये कंक्लूजन कभी नहीं आ सकता, राइट? तो ये ऑप्शन को हम करेंगे एलिमिनेट, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे जाते हैं ऑल डब्ल्यू द टॉक्सिक नो है तो हाँ चलो आ सकता है, फिर नेक्स्ट पे जाते हैं एक यहाँ पे सम है, यहाँ ऑल है, सम है, ऑल है, सारे के सारे पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो इससे तो बिल्कुल भी नहीं आ सकता, तो ये कंक्लूजन भी गलत है, ठीक। नेक्स्ट हम यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे भी सम 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 एंड ऑल सारे पॉजिटिव स्टेटमेंट्स है, नेगेटिव कंक्लूजन तो आ ही नहीं सकता, तो ये कंक्लूजन भी आपका गलत है, ये स्टेटमेंट भी गलत है, ठीक है। नेक्स्ट इन दोनों स्टेटमेंट से ही आपका कोई आंसर होगा, राइट? अब देखिए कितना इजी है, ये तो ऐसे ही हम एलिमिनेट कर सकते हैं देख के। फिर इन दोनों क्वेश्चन से हम पहले कोशिश करेंगे कि बिना देखे, बिना कुछ करे, बिना वेन डायग्राम्स ड्रॉ करे हम इनको कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि नो टॉक्सिक इंजेक्शन में, कहीं आपके नो इंजेक्शन इज टॉक्सिक या फिर नो टॉक्सिक इंजेक्शन स्टेटमेंट में तो नहीं है, देख लेते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्टली तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो तो नो इंजेक्शन इज टॉक्सिक से, तो नो टॉक्सिक इज इंजेक्शन डेफिनेटली आएगा, है कि नहीं, क्लियर? फिर उसके बाद सम इंजेक्शन आर ग्लूकोज, अब देखिए सम इंजेक्शन आर ग्लूकोज अगर है तो सम ग्लूकोज आर इंजेक्शन डेफिनेट है, सम ए आर बी, आपके सम बी आर ए तो डेफिनेटली आते हैं, तो डेफिनेटली आपके दोनों स्टेटमेंट्स आएंगे, राइट? तो इनसे तो डेफिनेटली दोनों स्टेटमेंट आएंगे, तो यहाँ से आ गया, इसका मतलब यहाँ से नहीं आ सकते, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए बिना वेन डायग्राम्स ड्रॉ किए, क्योंकि आपके हमारा बेसिक जो है बहुत ज्यादा क्लियर है, तो इसीलिए हम ऐसे कर सकते हैं, क्लियर? आप ट्राई करोगे कि आप वेन डायग्राम्स नहीं करोगे, अगर नहीं बन पा रहा है तब आप जाओगे वेन डायग्राम्स के लिए, ठीक है। आगे क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का लेते हैं, क्वेश्चन नंबर टू। यहाँ पे लिखा है सम क्लॉकर वॉच सम व्हीलर बसेस, ठीक है, सम क्लॉकर वॉच, कुछ क्लॉक आपके वॉच है और सम व्हील बसेस, ये भी आपके आईबीपीएस पीओ मेंस 2016 में आया था, ठीक है। तो लेट अस सी, यहाँ पे जैसे आपको बोला गया है सम क्लॉकर वॉच, तो कहीं अगर नो क्लॉक इज वॉच है या फिर नो वॉच इज क्लॉक है वो एलिमिनेट हो जाएगा, नो व्हील्स है बस है या फिर नो बस इज व्हील है तो वो भी एलिमिनेट हो जाएगा, राइट? तो देख लेते कहाँ है, तो नो वाले स्टेटमेंट्स, देखिए नो वाले स्टेटमेंट्स तो कहीं है नहीं, हमें नहीं दिख रहा है, एक दिख रहा है नो क्लॉक इज वॉच। अब नो क्लॉक इज वॉच अगर है तो सम क्लॉक और वॉच कैसे आ सकता है, तो ये ऑप्शन तो एनीवेज आपके एलिमिनेट हो गए, ये ऑप्शन आपका हो ही नहीं सकता, ठीक है। फिर बाद में हम देख लेते हैं कि कहीं से आ सकता है नहीं। अब ऑल वॉच और क्लॉक, इसका मतलब क्या है, ऑल ए आर बी, और ऑल ए आर बी से तो सम बी आर ए तो डेफिनेटली सही बन जाता है, है कि नहीं, और सम व्हील्स और बसेस तो यहाँ पे लिखा ही है, तो ये तो एक रीस्टेटमेंट है, ठीक है। तो यही आपके आंसर होगा, देखिए ऑल वॉच और क्लॉक, सारे वॉच जो है वो क्लॉक है, उसमें तो हम श्योर है ना कि सम क्लॉक और वॉच, तो ये कंफ्यूजन आपका आ रहा है, एंड ये तो आपके स्टेटमेंट में लिखा ही है कि सम व्हील और बसेस, तो आपके आंसर जो है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। एक अगर ऑप्शन है, एक ही अगर आपका आंसर आना है और आपको एक से मिल गया है तो वो नेक्स्ट पे जाके चेक मत करिएगा, ठीक है। हम टाइम को वेस्ट नहीं कर सकते, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल, बहुत कम टाइम मिलता है आपको, मींस में आपको 60 मिनट्स मिलेंगे रीजनिंग के लिए, एंड आपके जो प्रीलिम्स है उसमें तो बहुत ज्यादा कम टाइम है, जैसे एसबीआई क्लर्क में इस बार क्यूमुलेटिव टाइम पीरियड नहीं है, इस बार सेक्शनल टाइम पीरियड है, तो उसमें आपको ओनली 20 मिनट मिलेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ लेते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की और देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे लिखा है ऑल डॉग्स बीइंग मंकी इज अ पॉसिबिलिटी, कि सारे डॉग जो है वो मंकी बन जाए उसकी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट कंक्लूजन आपको दिया गया है कि सम मंकीज आर कैट्स, कुछ मंकीज है जो कैट्स है वो पॉसिबिलिटी है, सम मंकीज आर कैट्स होने की पॉसिबिलिटी है, एंड ऑल डॉग्स बीइंग मंकी इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक। फिर यहाँ पे आपको देखिए यहाँ बोला गया है कि सारे डॉग्स मंकीज बनने की पॉसिबिलिटी है, तो कहीं अगर हमें स्टेटमेंट में मिल गया कि कोई भी डॉग, नो डॉग इज अ मंकी,
तो क्या ये स्टेटमेंट आपका आ सकता है? बताइए, नो डॉग इज अ मंकी अगर मिल गया या फिर नो मंकी इज अ डॉग अगर मिल गया, तो क्या मुझे ये स्टेटमेंट मिल सकता है कि सारे डॉग मेरे मंकी हो जाए? वो तो कभी नहीं हो सकते, क्योंकि मंकी एंड डॉग के बीच में तो रिलेशन ही नहीं है। तो सबसे पहले जो हम ये कोशिश करेंगे, कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर वो स्टेटमेंट है तो उसको एलिमिनेट करो। तो यहाँ पे देखिए, ये नो डॉग इज अ मंकी है तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि इस ऑप्शन से कभी ये स्टेटमेंट कंक्लूजन नहीं आ सकता। ठीक है, नेक्स्ट और देख लेते कि कहीं और भी है क्या। तो नो डॉग इज मंकी, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद देख लेते कि सम मंकीज आर कैट इज अ पॉसिबिलिटी में। अब देखिए, सब कुछ मंकी कैट्स होने के लिए नो मंकी इज अ कैट अगर आ गया तो क्या आपका ये कंक्लूजन आ सकता है? नहीं आ सकता ना। तो नो मंकी इज अ कैट को हम देखेंगे कि एलिमिनेट करें या फिर नो कैट इज मंकी कहीं पे है आपके। देखिए, कंक्लूजन्स को अब 2 और 4 देखने की तो जरूरत नहीं है। 1, 3 और 5 देखिए तो 1 में नहीं है, 3 में हाँ नो कैट इज मंकी है। तो आपका सम मंकीज और कैट्स कैसे आ सकता है जब मंकीज एंड कैट्स के बीच में रिलेशन ही नहीं है? तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। फिफ्थ वाले ऑप्शन में भी ये भी एलिमिनेट होगा, क्योंकि नो कैट इज मंकी इसमें भी है। तो एक ही ऑप्शन है आपके पास, देखिए एक ही ऑप्शन है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो यही से होगा सीधा। तो आप सीधा बोल सकते हो कि बाकी 4 तो एनीवेज नहीं हो रहा है, तो हार्डली आपको 5 या 10 सेकेंड लगेंगे ये करने के लिए। और आपको करके वेरीफाई नहीं करना कि हाँ ये सही है कि नहीं। यहाँ मैं आपको बता भी दूंगी कि चलो देख लेते हैं कि क्या है, लेकिन आपको एग्जाम में ये सब नहीं करना है। एग्जाम में आपको मिल गया आंसर तो मिल गया बस। और ऑल डॉग्स आर कैट एंड नो कैट इज पिग, कोई भी कैट आपके पिग नहीं है, एंड ऑल पिग्स आर मंकी। ठीक है, तो इस केस में All dogs being monkey is a possibility, हाँ है। ठीक है, some monkeys a cat is a possibility, वो भी है। तो दोनों confusion आपका यहाँ से आ रहा है। Clear? कोई confusion? आगे बढ़े फिर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। Let us see the next question, question number 4। तो यहाँ लिखा है no teacher is a lawyer, कोई भी teacher आपके lawyer नहीं है, and all doctors are students, सारे doctor जो है वो student है। तो कहीं अगर हमें मिल गया कि all teacher is a lawyer या फिर some teacher a lawyer, तो no teacher is a lawyer तो गलत हो जाएगा ना। यहाँ पे अगर all या फिर some हमें मिल गया तो उस केस में तो ये confusion आपका गलत हो जाएगा। तो हम यही कोशिश करेंगे कि कहीं हमें मिले या नहीं मिले। तो all teachers are lawyers देख लेते कहीं पे है या नहीं। तो ऑल टीचर्स स्टूडेंट, ऑल टीचर या फिर ऑल लॉयर्स और टीचर्स, तो देख लेते हैं कहीं पे अगर है या नहीं है। ऑल टीचर्स स्टूडेंट, दो स्टूडेंट इज लॉयर, तो कहीं नहीं है। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि ऑल डॉक्टर्स स्टूडेंट अगर आ गया तो नो डॉक्टर इज अ स्टूडेंट या फिर नो स्टूडेंट इज अ डॉक्टर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ अगर देखोगे तो नो डॉक्टर इज अ स्टूडेंट तो है नहीं। ठीक है, ओके तो कहीं नहीं है, कुछ भी एलिमिनेट नहीं हो रहा है। तो कुछ भी अगर एलिमिनेट नहीं होगा आप करोगे वेन डायग्राम से। तो ऑल स्टूडेंट्स, सारे जो स्टूडेंट्स है वो टीचर्स है, ऑल टीचर्स आर डॉक्टर्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ऑल डॉक्टर्स आर स्टूडेंट, ये हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों? ये हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। ऑल स्टूडेंट्स आर डॉक्टर कैसे हो सकता है? ऑल डॉक्टर्स आर स्टूडेंट, हाँ पॉसिबल तो है लेकिन होगा ऐसे जरूरी नहीं है। तो ये कंक्लूजन बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो यहाँ उस केस में एक अगर नहीं आ रहा तो सेकंड के लिए आप चेक भी मत करो। तो ये तो एनीवेज गलत है। नेक्स्ट के लिए देख लेते हैं कि ऑल डॉक्टर्स आर टीचर्स, सारे जो डॉक्टर्स है वो टीचर्स है, ऑल टीचर्स आर स्टूडेंट्स, तो इसमें आपके ऑल डॉक्टर्स आर स्टूडेंट आ गया। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं, नेक्स्ट कंक्लूजन भी देख लेंगे। तो सम स्टूडेंट्स आर लॉयर, सम स्टूडेंट जो है वो है लॉयर। ठीक है, तो इस केस में नो टीचर इज लॉयर कैसे आ सकता है? तो ये भी नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद ये तो देखिए यहाँ तक तो सेम है, ऑल डॉक्टर्स आर टीचर्स, सारे डॉक्टर जो है वो टीचर्स है, नो टीचर इज स्टूडेंट, कोई भी टीचर आपके स्टूडेंट नहीं है। ठीक है, एंड सम स्टूडेंट आर लॉयर्स। ओके, अब यहाँ पे देखिए ऑल डॉक्टर्स आर स्टूडेंट कैसे हो जाएगा जब आपके डॉक्टर यहाँ पे हो? तो ये नहीं होगा। ठीक है, फोर्थ में देख लेते हैं, ऑल डॉक्टर्स आर टीचर्स, ऑल टीचर्स आर स्टूडेंट्स, तो इस केस में डॉक्टर्स आर स्टूडेंट्स हो जाएगा। ठीक है, ऑल डॉक्टर्स आर स्टूडेंट। नेक्स्ट आपके है नो स्टूडेंट इज अ लॉयर, कोई भी स्टूडेंट अगर लॉयर नहीं है तो कोई भी डॉक्टर भी लॉयर नहीं होगा, कोई भी टीचर भी लॉयर नहीं होगा। तो नो टीचर इज अ लॉयर तो बिल्कुल सही है। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़े। ओके, फिर
ठीक है ओके सो अब देखिए एटलीस्ट सब हिल्स बीइंग लेक इज अ पॉसिबिलिटी कुछ हिल्स लेक बनने की पॉसिबिलिटी है तो उस केस में हम क्या करेंगे अगर कहीं पे आपका ऐसा आ गया कि नो हिल इज अ लेक तो आपका कुछ हिल लेक बन सकता है बिल्कुल नहीं या फिर नो लेक इज अ हिल आ गया तो वो भी नहीं बन सकता सम माउंटेन्स और हिल्स में आपका नो माउंटेन इज अ हिल या नो हिल इज माउंटेन नहीं आना चाहिए ठीक है नो माउंटेन इज हिल या नो हिल इज माउंटेन नहीं आना चाहिए तो हम वही देखेंगे कि कुछ एलिमिनेट कर सकते हैं या नहीं नो हिल इज अ लेक देखिए एलिमिनेट हो गया यहाँ ये भी एलिमिनेट हो गया ये भी एलिमिनेट हो गया तो तीन ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए बाकी दो ऑप्शन में से देखना है तो इन दोनों ऑप्शन में नो माउंटेन इज अ हिल तो एनीवेज नहीं है तो करके देख लेते ऑल हिल्स आर माउंटेन्स उसमें से आपका सम माउंटेन और हिल्स ये तो आ गया एटलीस्ट सम ही ओके फिर आगे करते हैं ऑल हिल्स आर माउंटेन्स ऑल माउंटेन्स आर रिवर्स एंड नो रिवर इज अ लेक कोई भी रिवर आपके लेक नहीं है तो इसमें सम माउंटेन्स और हिल्स तो डेफिनेटली आ गया है फिर उसके बाद एटलीस्ट सम हिल्स बीइंग लेक इज अ पॉसिबिलिटी अब देखो हिल जो है वो रिवर के अंदर है कोई भी रिवर आपके लेक नहीं है तो कैसे हो सकता है कि सारे कुछ हिल आप कुछ माउंटेन जो कुछ हिल जो है वो लेक हो जाए तो वो नहीं आ सकता तो ये कंक्लूजन आपका गलत है तो ये स्टेटमेंट गलत है तो यही स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा आप करके भी देख सकते हो लेकिन एग्जाम में करने की कोई जरूरत नहीं है मैं अभी भी बता रही हूँ आपको ठीक है ऑल हिल्स आर माउंटेन सम हिल्स आर रिवर ऑल हिल्स आर माउंटेन सम हिल्स आर रिवर एंड नो रिवर इज अ लेक कोई भी रिवर नहीं क्लेम है तो उस केस में सम माउंटेन सम हिल्स हमें मिल गया फिर उसके बाद एटलीस्ट सम हिल्स एटलीस्ट कुछ हिल्स बिंग लेक इज अ पॉसिबिलिटी कुछ हिल लेक बन जाए इसकी पॉसिबिलिटी तो है राइट तो ये कंक्लूजन आपका बिल्कुल सही है तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 5 ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं वी हैव क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे लिखा है एटलीस्ट सम बीन्स आर कैरेट And some brinjals being carrot is a possibility. अब देखिए some beans are carrot में no bean is a carrot नहीं आना चाहिए ठीक है no bean is a carrot या फिर no carrot is bean. देख लेते हैं कहाँ पे है no carrot is bean no carrot is bean यहाँ है तो ये conclusions आपके गलत है ओके नेक्स्ट है आपके some brinjal being carrot is a possibility तो उस केस में भी no brinjal is carrot नहीं आना चाहिए या फिर no carrot is brinjal नहीं आना चाहिए ठीक है तो उस केस में नो ब्रिंजल इज कैरेट ये आपके गलत है ओके फिर आपके इसमें भी है तो एक ई पॉसिबिलिटी बनता है कि यहां से ही हो तो बस आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 करके भी देख सकते हो आप ऑल कैरेट्स आर बीन्स सम बीन्स आर ब्रिंजल एंड नो ब्रिंजल इज एप्पल कोई भी ब्रिंजल आपके एप्पल नहीं है तो इस केस में एटलीस्ट सम बीन्स आर कैरेट हाँ कुछ बीन्स डेफिनेटली कैरेट है एंड सम ब्रिंजल्स बीइंग कैरेट इज अ पॉसिबिलिटी हाँ हो सकता है कि कुछ ब्रिंजल जो है वो कैरेट हो जाए तो ये दोनों ही यहाँ इस स्टेटमेंट से आ रहे हैं तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं आई होप आपको समझ में आ गया होगा कोई कंफ्यूजन है तो अभी बताइए अगर नहीं है देन हम प्रोसीड करते हैं ओके फिर आगे बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है ऑल डंकीज बीइंग टाइगर इज अ पॉसिबिलिटी ऑल डंकीज बीइंग टाइगर इज अ पॉसिबिलिटी एंड नो मंकी बीइंग टाइगर इज अ पॉसिबिलिटी ओके सो ऑल डंकीज यहाँ पे कहीं आपका ऐसा नहीं होना चाहिए कि नो डोंकी इज अ टाइगर क्योंकि सारे डोंकी जो है वो टाइगर्स बनने की पॉसिबिलिटी तो है राइट तो कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी डोंकी टाइगर नहीं है फिर नो टाइगर इज अ डोंकी ओके या फिर नो मंकी इज टाइगर नहीं होना चाहिए ओके क्लियर तो लेट अस सी कहाँ है वो नो डोंकी इज टाइगर तो हाँ ये गलत है ठीक है नेक्स्ट नो डोंकी इज टाइगर ये भी गलत है नेक्स्ट आपके है नो मंकी इज टाइगर कोई भी मंकी आपके टाइगर नहीं है तो वो देख लेते कि कहाँ है तो यहाँ पे भी है ये भी है राइट तो ये चार ऑप्शन तो एनीवेज नहीं हो सकता तो एक ही ऑप्शन बचा है तो आपकी करेक्ट आंसर तो एनीवेज यही होगा बट फिर भी हम देख लेते कि यहाँ पे कैसे आएंगे तो ऑल मंकीज आर डोंकीज एंड नो डोंकी इज एन एलिफेंट एंड ऑल एलिफेंट्स आर
tigers. So, इसमें all donkeys being tigers is a possibility. Definitely है, right? And all monkeys being tigers is a possibility. हाँ, वो भी हो सकता है, right? लेकिन जो donkeys है या फिर monkeys है, वो elephants में नहीं आ सकते. तो yeah, definitely आपकी conclusion statement number two ही बिल्कुल सही है. Okay. Next question हम देख लेते हैं. Some covers the pillows and all sheets being covered is a possibility. तो कहीं यहाँ पे ऐसा नहीं आना चाहिए कि no cover is a pillow या फिर no pillow is cover. Okay, तो let us see कहाँ है वहाँ पे no sheet is cover, no cover is pillow, no pillow is cover. देखिए ये आपके anyways eliminate हो गए, ठीक है. Next हम देख लेते हैं, no pillow is sheet, no sheet is cover. नो पिलो इज कवर या फिर नो कवर इज पिलो आना चाहिए, ठीक है. लेट अस सी, अब देखिए यहाँ पे भी एक है तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, ठीक है. तो दो ऑप्शन एनीवेज एलिमिनेट हो गए. अब इसमें ऑल शेड बीइंग कवर इज अ पॉसिबिलिटी, तो उस केस में भी नो कवर इज शेड या फिर नो शेड इज कवर नहीं आना चाहिए, ठीक है. तो लेट अस सी कहाँ है, अब देखिए नो शेड इज कवर है तो ये भी एलिमिनेट, नो शेड इज कवर है ये भी एलिमिनेट, एक ही ऑप्शन बचता है आपके लिए, ऑप्शन नंबर थ्री. तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर थ्री. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नाइन करते हैं. बहुत सिंपल है, ऑप्शंस को एलिमिनेट करके अगर आप करोगे इट्स वेरी वेरी सिंपल. ओके, सो लेट्स सी ऑल टैंक्स आर जिंजर्स, सारे जो टैंक्स है वो जिंजर्स है, ऑल टैंक्स आर जिंजर्स, सम जिंजर्स आर नॉट फिशेस, सॉरी All tanks are gingers and some gingers are not fishes. ये आना चाहिए, तो कहीं पे भी ये नहीं होना चाहिए कि no tank is ginger. Okay? ये कहीं पे आपका नहीं होना चाहिए. तो let us see कहीं पे वो है या नहीं है. तो no tank is ginger, if no ginger is tank. Okay. So we do not have this, not a problem. Some gingers are not fishes. Some gingers are not fishes. में all gingers are fishes नहीं आ सकता. Okay? Some gingers are not fishes में all gingers are fishes नहीं आ सकता. Let us see कहीं पे वो है क्या. तो all gingers are jars, okay. All gingers are okay. We do not have that as well. लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ एक negative statement है, some not है. तो जहाँ पे कोई negative statement नहीं है, तो वहाँ से आपको कुछ negative conclusion मिल सकता है? बिल्कुल नहीं मिल सकता, ठीक है. तो वही करेंगे कि जिस स्टेटमेंट्स में नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं है उसको करेंगे हम एलिमिनेट. तो ये देखिए इसमें नेगेटिव स्टेटमेंट बिल्कुल नहीं है, सारे पॉजिटिव स्टेटमेंट है. तो इससे आपका सम नॉट वाला कंक्लूजन आ ही नहीं सकता, ठीक. फिर यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे भी आपका सारे जो है पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो सारे पॉजिटिव स्टेटमेंट से आपके नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं आ सकते. तो दो ऑप्शन तो एनीवेज एलिमिनेट होंगे. अब बाकी तीनों ऑप्शन में से हम देख लेते हैं. All tanks are gingers. तो सारे all tanks are gingers. हम देख लेते हैं कि some tanks are jars. Some tank जो है वो है jars. And some jars are gingers. तो अब देखिए यहाँ पे all tanks are gingers कैसे आएंगे? वो तो बिल्कुल नहीं आ सकते. तो ये anyways गलत है. तो second के लिए हम check भी नहीं करेंगे. Next है all gingers are jars and some jars are tanks. अब देखिए यहाँ से भी all tanks are gingers नहीं आ सकता, तो ये conclusion भी गलत है. तो हम देखेंगे कि यही conclusion आपका सही है या नहीं. तो या definitely तो सही तो होगा ही, क्योंकि एक ही option है. फिर भी हम देख लेते हैं, all tanks are jars, all jars are gingers. देखिए some jars are, all tanks are ginger यहाँ से आ गया, ठीक है. And no fish is jar. कोई भी fish आपके jar नहीं है, ठीक है. तो यहाँ से आपके सम जिंजर्स आर नॉट फिशेस, तो ये भी आ गया. तो यहाँ डेफिनेटली ये करेक्ट है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है कि ऑल नोट बीइंग मेटल इज अ पॉसिबिलिटी, नो नोट इज प्लास्टिक, ठीक है. अब देखिए यहाँ पे ऑप्शंस भी है अलग अलग, ठीक है. सो ऑल नोट बीइंग मेटल इज अ पॉसिबिलिटी में कहीं आपका नो नोट इज मेटल, इफ नो मेटल इज नोट नहीं आना चाहिए. तो पहले उसी के लिए चेक करेंगे. तो यहाँ अगर देखोगे तो नो कॉइन, नो नोट इज मेटल, तो या नहीं है. नेक्स्ट में देखेंगे तो नो नोट इज प्लास्टिक, तो उसमें कहीं ऐसा नहीं आना चाहिए कि सम नोट इज प्लास्टिक या फिर ऑल नोट इज प्लास्टिक. तो सम नोट आ कॉइन, ऑल नोट इज प्लास्टिक या फिर सम नोट इज प्लास्टिक नहीं आना चाहिए. ओके, तो यस कहीं नहीं है. अब हम कैसे करेंगे, अब एक चीज तो यहाँ पे सारे नेगेटिव स्टेटमेंट्स है, एक नेगेटिव कंक्लूजन आने के लिए कहीं ना कहीं आपके नेगेटिव होना चाहिए. तो जिस ऑप्शन में नेगेटिव नहीं है उसको एलिमिनेट करेंगे.
तो हाँ सारे के सारे ऑप्शंस में नेगेटिव है. ओके, तो कोई भी आपका एलिमिनेट नहीं हो रहा है तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम ड्रॉ करेंगे. अब ड्रॉ भी आप कैसे करोगे, आप करोगे एलिमिनेशन मेथड से. अब देखिए यहाँ पे आपको कॉमन दिख रहा है 3 और 3, तो सबसे पहले 3 वाला करके देख लेते हैं. ठीक है, 3 वाला करके हम देख लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन देखिए ऑप्शन ए या ई में से एक ही हो सकता है. आपको थोड़ा स्मार्ट बनना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि हम सारे के सारे स्टूपिड की तरह करते रहे. ठीक है, तो हमें स्मार्ट बनना पड़ेगा, तो 3rd वाला करके देख लेते हैं. तो सबसे पहले ऑल नोट आर कॉइन एंड नो कॉइन इज प्लास्टिक, कोई भी कॉइन आपकी प्लास्टिक नहीं है, एंड ऑल प्लास्टिक आर मेटल. तो इसमें अगर हम देखें तो ऑल नोट बिंग प्लास्टिक बिंग मेटल इज अ पॉसिबिलिटी. हाँ डेफिनेटली हो सकता है कि सारे नोट जो है वो मेटल बन जाए. फिर उसके बाद है कि नो नोट इज प्लास्टिक, तो ये भी सही है. ठीक है, अब ये हो सकता है या ये हो सकता है. अब बाकी के अगर ये होगा तो बाकी के ऑप्शन तो एनी वेज एलिमिनेट होंगे, राइट. तो यहाँ पे आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा, तो जो जो कॉमन है वहां से लीजिए. ये अगर हो गया तो इसका मतलब आइदर ये होगा या ये होगा, राइट. नाउ हम देखेंगे कि 4 है कि नहीं. अगर 4 नहीं है तो इसका मतलब आपका आंसर ये है. अगर 4 से भी आता है तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए. क्लियर, तो देख लेते हैं ऑप्शन नंबर 4 करके. तो लिखा है कि नो नोट, कोई भी नोट प्लास्टिक नहीं है. एंड वी हैव सम प्लास्टिक आर कॉइंस एंड ऑल मेटल आर प्लास्टिक, सारे जो मेटल है वो है प्लास्टिक. ओके, तो इसमें से ऑल नोट बिंग मेटल इज अ पॉसिबिलिटी, हाँ डेफिनेटली हो सकता है कि सारे जो नोट है वो मेटल में आ जाए. एंड नो नोट इज प्लास्टिक, वो तो डेफिनेट है. तो यहां से तो हमें क्या मिला, नो नोट इज प्लास्टिक, तो एनीवेज आपका रीस्टेटमेंट है, राइट. तो रीस्टेटमेंट तो लिखा ही है, तो ये भी हो रहा है, तो इसका मतलब 3rd से भी हो रहा है, 4th से भी हो रहा है. तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, यहाँ पे हमें स्मार्ट बनना पड़ेगा. कॉमन वाले देखिए पहले, फिर उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे, ऑप्शन से जाएंगे. ठीक है, ऑप्शन से जाओगे तो ज्यादा इजियर बनेगा आपके लिए. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे कर लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11. तो यहाँ पे लिखा है सम वर्ड्स आर नॉट ब्रेक, सम सीमेंट इज नॉट वर्ल. तो देखिए सारे नेगेटिव स्टेटमेंट है. नेगेटिव स्टेटमेंट आने के लिए कहीं ना कहीं नेगेटिव होना चाहिए. तो जिस स्टेटमेंट में नेगेटिव नहीं है तो उसको एलिमिनेट करेंगे. यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ नहीं है, ये ऑप्शन हो गया एलिमिनेट. ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ चलो नेगेटिव है, यहाँ भी है, यहाँ पे भी नहीं है, तो इसको भी करा हमने एलिमिनेट. फिर उसके बाद क्या देखते हैं कि सम वर्ड्स आर नॉट ब्रिक, में आपका ऐसा नहीं चाहिए होना चाहिए कि ऑल वर्ड्स आर ब्रिक. तो या ओके यहाँ पे नहीं है, ऑल वर्ड्स आर ब्रिक नहीं है. नेक्स्ट सम सीमेंट इज नॉट वाटर, में ऑल सीमेंट इज वाटर नहीं होना चाहिए, तो ऑल सीमेंट इज वाटर भी नहीं है. ओके, लेट अस सी, लेट अस चेक. अब ड्रॉ करके हमें देखना पड़ेगा. सम ब्रिक आर सीमेंट, नो सीमेंट इज वॉल, एंड ऑल वॉल्स आर वाटर. तो इसमें से अगर आप देखोगे तो सम वॉल्स आर नॉट ब्रिक, सम वॉल्स आर नॉट ब्रिक. अब देखिए यहाँ से कैसे हम श्योरली बताएं कि सम वॉल्स जो है वो ब्रिक नहीं है, वो हम नहीं बता सकते. क्या पता सारे जो वॉल्स है वो ब्रिक में आ जाए, इस सेक्शन में नहीं आ सकता, लेकिन बाकी सेक्शन में तो डेफिनेट है कि आ सकते हैं, राइट. तो ये डेफिनेट है कि ये नहीं होगा. नेक्स्ट आपके है कि नो ब्रिक इज सीमेंट, कोई भी ब्रिक सीमेंट नहीं है. एंड ऑल सीमेंट इज वॉल, सारे जो सीमेंट है वो वॉल है. एंड नो वॉल इज वॉटर, कोई भी वर्ल्ड वाटर नहीं है. ओके, सो वी हैव सम वर्ल्ड्स आर नॉट ब्रिक. हाँ ये तो सही है कि सम वर्ल्ड जो है वो ब्रिक नहीं है, ये सही है. नेक्स्ट सम सीमेंट इज नॉट वाटर, सम सीमेंट जो है वो भी वाटर नहीं है. सम सीमेंट इज वर्ल्ड, यहाँ पे ऑल सीमेंट इज वर्ल्ड एंड नो वर्ल्ड इज वाटर. तो हाँ डेफिनेट है कि सम सीमेंट वाटर नहीं होगा ना, क्योंकि सारे के सारे सीमेंट वाटर नहीं हुआ. तो ये दोनों ही सही आपको मिल रहा है ऑप्शन नंबर 3 से. आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी. क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन. तो यहाँ पे क्या है, सम माउस इज नॉट मॉनिटर, सम माउस जो है वो मॉनिटर नहीं है. एंड सम कीबोर्ड्स आर मॉनिटर, अब नेगेटिव स्टेटमेंट के लिए क्या, सबसे पहले हम जिसमें नेगेटिव ना हो, तो इसमें तो सभी में नेगेटिव है. ठीक है, फिर नेक्स्ट हम करेंगे कि सम माउस इज नॉट मॉनिटर, में कहीं आपका ऐसा नहीं आना चाहिए कि ऑल माउस इज मॉनिटर या ऑल माउस इज मॉनिटर. ठीक है, तो लेट अस सी, कहीं यहाँ पे है ऑल माउस इज मॉनिटर, ओके नहीं है. नेक्स्ट हम देखेंगे सम कीबोर्ड्स आर मॉनिटर, में आपका नो कीबोर्ड इज मॉनिटर बिल्कुल नहीं आना चाहिए. अब देखिए नो मॉनिटर इज कीबोर्ड आ गया, ये हो गया आपके कैंसिल, ये हो गया
कैंसिल, ठीक है, ये भी हो गया कैंसिल, तो तीन ऑप्शन तो एनीवेज आपका कैंसिल आउट हो गया। बाकी दोनों ऑप्शन में से देखेंगे सम माउस इज नॉट मॉनिटर, तो डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो लेट अस सी, हम ड्रॉ करके ऑल स्क्रीन्स आर मॉनिटर, ऑल मॉनिटर्स आर कीबोर्ड्स, तो इसमें सम कीबोर्ड्स आर मॉनिटर, ये तो सही हो गया। नेक्स्ट है और नो कीबोर्ड इज माउस, कोई भी कीबोर्ड माउस नहीं है, तो उस केस में आपका सम माउस इज नॉट मॉनिटर, सम माउस इज नॉट मॉनिटर, ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि नो माउस इज मॉनिटर या फिर ऑल माउस इज नॉट मॉनिटर, तो सम माउस इज नॉट मॉनिटर, ये बिल्कुल सही है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? हाँ, सो और कुछ क्वेश्चन है उसको भी कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 कर लेते हैं। ऑल मंथ्स बीइंग ईयर इज अ पॉसिबिलिटी, सारे मंथ आपके ईयर बनने की पॉसिबिलिटी है, तो उस केस में नो मंथ इज अ ईयर नहीं होना चाहिए, तो नो मंथ इज अ ईयर, तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया, देखिए सभी में नो मंथ इज अ ईयर है, ठीक है। आप रिवर्स सिलॉग्स में दो तीन ऑप्शंस ऐसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं, तो कोशिश करना कि जितने भी ऑप्शंस एलिमिनेट कर सको, ताकि हमारे लिए करना बहुत ही सिंपल हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखेंगे तो नो मंथ इज अ डे, आपके कहीं ऑल डेज आर मंथ नहीं होना चाहिए, ऑल मंथ डेज नहीं होना चाहिए, तो ऑल मंथ अ वीक, नो वीक इज अ डे, ओके। ऑल मंथ्स आर डेज, देखिए यहाँ पे ऑल मंथ्स आर डेज अगर है तो नो मंथ इज अ डे कैसे आएंगे, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, तो सीधा आपका ऑप्शन नंबर बी ही सही आंसर होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 कर लेते हैं। वी हैव सम हॉस्पिटल आर फ्लैट इज अ पॉसिबिलिटी, तो कहीं पे नो हॉस्पिटल इज अ फ्लैट नहीं आना चाहिए, ठीक है, एंड नो हॉस्पिटल इज अ फ्लैट, नो हॉस्पिटल इज अ फ्लैट नहीं आना चाहिए, तो या देखिए यहाँ पे नो हॉस्पिटल इज अ फ्लैट है, तो ये ऑप्शन हो गए एलिमिनेट। अब ये ऑप्शन अगर एलिमिनेट हो गए तो ये ऑप्शन एनीवेज एलिमिनेट हो गए, राइट। फिर उसके बाद नो हॉस्पिटल इज फ्लैट, ओके। फिर उसके बाद सम स्कूल्स आर नॉट कॉलेजेस में ऑल स्कूल्स और कॉलेजेस नहीं आना चाहिए, तो लेट अस सी कि ऑल स्कूल्स और कॉलेजेस कहीं है तो या नहीं है, ओके, तो इट्स फाइन। तो हम क्या करेंगे, अभी ऑप्शन में से ऑप्शंस को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे, फाइव वाला कर लेते हैं, क्योंकि फाइव तीन ऑप्शन में था, तो हम फाइव ले लेते हैं पहले। तो सम फ्लैट्स और अपार्टमेंट्स, सम फ्लैट जो है वो है अपार्टमेंट्स, ऑल अपार्टमेंट्स और स्कूल्स, तो इसमें आपके सम स्कूल्स आर नॉट कॉलेजेस, वो किसी अभी तक नहीं आया, ऑल अपार्टमेंट्स आर स्कूल एंड नो अपार्टमेंट इज कॉलेज, कोई भी अपार्टमेंट कॉलेज नहीं है, एंड सम हॉस्पिटल आर कॉलेजेस, ओके। तो इसमें से सम हॉस्पिटल्स आर फ्लैट इज अ पॉसिबिलिटी, हाँ ये तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, सम स्कूल्स आर नॉट कॉलेजेस, हाँ बिल्कुल, यहाँ से आपका होगा कि या सम स्कूल्स आर नॉट कॉलेजेस, ठीक है, तो ये डेफिनेट है कि ये तो आपके स्टेटमेंट होगा, तो फाइव वाला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, तो बाकी ये दोनों ऑप्शंस तो गलत है, ठीक है, तो सी या ई में से होगा, तो उसके लिए हम देख लेंगे ऑप्शन नंबर थ्री। तो ऑप्शन नंबर थ्री लिख लेते हैं, ऑल फ्लैट्स आर अपार्टमेंट, सारी जो फ्लैट्स है वो अपार्टमेंट है, फिर ऑल अपार्टमेंट्स आर स्कूल्स, ठीक है, तो उसके बाद है आपका ऑल अपार्टमेंट्स आर स्कूल, नो अपार्टमेंट इज कॉलेज, कोई भी अपार्टमेंट आपके कॉलेज नहीं है, एंड ऑल हॉस्पिटल्स आर स्कूल, ऑल हॉस्पिटल्स आर स्कूल, सो ऑल हॉस्पिटल्स आर स्कूल, ठीक है, ओके। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, सम हॉस्पिटल्स आर फ्लैट इज अ पॉसिबिलिटी, हाँ डेफिनेट है, एंड सम स्कूल्स आर नॉट कॉलेजेस, हाँ बिल्कुल, सम स्कूल्स आर नॉट कॉलेजेस, तो थर्ड वाले स्टेटमेंट से भी आ रहा है, तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, क्लियर, वेरी सिंपल। लास्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 15 पे, नो कर इज अ नोट एंड ऑल नोट्स बीइंग एनिमल इज अ पॉसिबिलिटी, अब वही करेंगे, एक अगर नो स्टेटमेंट है तो देख लेंगे कि कहीं ऐसा तो कोई नहीं है कि जिसमें सारे पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो उसमें तो सभी में है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑल नोट्स बीइंग एलिमेंट, और फिर केस में ये देख लेंगे कि कहीं ऑल कार इज नोट तो नहीं है, या फिर ऑल नोट इज कार तो नहीं है, क्योंकि नो कार इज अ नोट आना चाहिए, ऑल कार इज नोट या फिर ऑल नोट इज कार या फिर सम कार इज नोट आपका नहीं आ सकता, तो लेट अस सी। अब देखिए यहाँ लिखिए ऑल कार आर नोट्स हो गया, तो ये गलत है, ठीक है, ऑल कार आर नोट्स हो गया, ये भी गलत है, तो इसका मतलब वन एंड थ्री वाले जो जो ऑप्शन है वो तो एनीवेज गलत है, तो तीन ऑप्शन तो एनीवेज एलिमिनेट हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद अब देखिए ये देखने की कोई जरूरत ही नहीं है, हम दोनों ओनली फोर एंड फाइव देख लेंगे, ठीक है, फोर एंड फाइव देख लेंगे, क्योंकि ऑप्शन में भी फोर एंड फाइव ही है बस। तो पहले तो आप नो कार इज अ नोट में नो नोट इज अ कार ऑल कार इज नोट नहीं आना चाहिए, तो ओके यहाँ पे ऐसा कोई डायरेक्ट है नहीं। नेक्स्ट उसका है ऑल नोट्स बीइंग एनिमल इज अ
पॉसिबिलिटी, तो उस केस में नो नोट इज एन एनिमल नहीं आना चाहिए. तो देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है कि नो नोट इज एन एनिमल, तो उसमें ऑल नोट्स बीइंग एनिमल इज अ पॉसिबिलिटी कैसे आ सकता है? तो ये तो फोर्थ स्टेटमेंट भी गलत है. तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई. बहुत ज्यादा सिंपल है, ऑप्शंस को एलिमिनेट करके करने से बिल्कुल ही इजी बन जाता है. बहुत टाइम, लेस टाइम कंज्यूमिंग भी लगता है, जहां के लोगों को लगता है कि रिवर्स सिलॉग्स में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन आप ऐसे करोगे तो बहुत कम टाइम में हो जाएगा. अगर कोई भी कंफ्यूजन है, एक बार आप जो बेसिक सिलॉग्स के लेक्चर हुए थे उसको एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद ही अगर आपको कंफ्यूजन होता है देन प्लीज यू कैन कॉन्टेक्ट अस और कमेंट भी आप लीव कर सकते हो. ओके देन, तो नेक्स्ट क्लास में हम ब्लड रिलेशन करेंगे. सो टिल देन स्टे कनेक्टेड एंड स्टडी वेल.